माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पार्ट नंबर 42। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप च्युइंगम को चबा रहे हो और अगर ऐसे में आप उस च्युइंगम को गलती से निगल लिए, तब आपके साथ क्या होगा? क्या वो च्युइंगम आपके पेट में जाकर चिपक जाएगा या फिर वो हमेशा के लिए आपके पेट में ही ठहर जाएगा? बट एक्चुअली इनमें से कुछ भी नहीं होगा। पर अगर आपने च्युइंगम को गलती से निगल भी लिया, तब ऐसे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। फोल्क्लोर एकेडमी के हिसाब से अगर आप किसी च्युइंगम को निगल जाते हो, तब वो च्युइंगम आपके पेट में अगले 7 साल तक पड़ा रहेगा। पर यह बात उतनी भी सच नहीं है। अगर आप किसी वजह से च्युइंगम को निगल जाते हो, तब ये बात तो सच है कि आपकी बॉडी उस च्युइंगम को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, यानी वो उसे पचा नहीं पाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो निगला हुआ च्युइंगम आपके पेट में हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, बल्कि वो च्युइंगम आपके पेट में जाते ही यहाँ से वहाँ मूव करने लग जाएगा और फिर वो किसी भी अनसेरेमोनियसली तरीके से आपके पूप में से बाहर निकल जाएगा। पर हाँ, आप इसका ये मतलब नहीं कि आप च्युइंगम को चबाते चबाते उसे निगल जाओ, ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना। नंबर 4, आपने अक्सर बर्ड्स यानी पंछियों को ऐसे इलेक्ट्रिक वायर पर बैठे हुए जरूर देखा होगा और आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि अगर वो बर्ड्स उस इलेक्ट्रिक वायर पर बैठे तब उन्हें करंट क्यों नहीं लगता। लेट मी एक्सप्लेन नाउ। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी को समझने की जरूरत है कि आखिर एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एक जगह से दूसरी जगह कम रेजिस्टेंस में ट्रांसफर होता रहता है, यानी कि अच्छे कंडक्टर में से फ्लो होता रहता है। और आपको तो पता ही है कि कोई भी इलेक्ट्रिक वायर कॉपर से बनी हुई होती है और उस कॉपर वायर का कंडक्टर करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बहुत स्ट्रांग होता है। और ऐसे में अगर उस कॉपर से बनी हुई वायर को आप अपना हाथ टच करते हो, तब आपको तुरंत एक करंट का झटका सा लगता है। पर ये चीज बर्ड्स के साथ नहीं होती, क्योंकि बर्ड्स हम इंसानों के मुकाबले उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं कि उस वायर में मौजूद करंट उनकी बॉडी में से पास हो जाए और उन्हें करंट लग जाए। एग्जांपल दू तो, जैसे आप अभी किसी लकड़ी के डंडे को किसी एक इलेक्ट्रिक वायर पर टच करते हो, तब आपको करंट नहीं लगता क्योंकि उस लकड़ी का कंडक्टर उतना अच्छा नहीं होता है। पर इसके जगह अगर आप किसी लोहे की रॉड को उस कॉपर वायर पर टच करते हो, तब वो वायर में मौजूद करंट तुरंत उस लोहे की रॉड में ट्रांसफर हो जाता है और आपको करंट लग जाता है, क्योंकि उस लोहे की रॉड का कंडक्टर उस लकड़ी के डंडे से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। इसी तरह से उन बर्ड्स का कंडक्टर उस लकड़ी की तरह होता है, जिसके चलते उन बर्ड्स को इलेक्ट्रिक वायर पर बैठने पर भी कभी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। और यही थी इसके पीछे की सबसे मेन और असली वजह। नंबर 3, चाय तो आप पीते ही हो और कई लोगों का ये मानना है कि चाय आपकी सेहत के लिए डेंजरस यानी हानिकारक होती है, पर ये बात 100% सच नहीं है। अभी जो आप चाय पीते हो, तो उस चाय में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो आपकी बॉडी के डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है, और साथ ही साथ उस चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों से भी लड़ने में आपकी मदद करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि ग्रीन टी आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, पर ये एक मिथ यानी एक झूठ है। बल्कि ब्लैक, व्हाइट और रेड टी में भी ये सारे बेनिफिट्स मौजूद होते हैं। एंड दैट्स व्हाई अगर आपको अगली बार कोई बोले कि चाय आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, तब उन्हें ये फैक्ट आप जरूर बताना। नंबर 2, No. क्यों हंसी आई ना आपको? मुझे भी आई। पर क्या आप जानते हो कि कुछ भी फनी इंसिडेंट और जोक सुनने पर आपको ये हंसी क्यों आने लगती है? अब आप कहोगे एक यू रेस्पेक्ट, अब ये क्या बोल रहे हो तुम? फनी वीडियो को देखकर हंसेंगे नहीं तो फिर क्या रोएंगे क्या? बट एक्चुअली पर क्या आप जानते हो कि हम लाफ यानी हंसते क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो आज इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जान लो। हंसी एक तरह की अनकॉन्शियस फिजिकल रिस्पॉन्स होती है, यानी कि जब भी आप हंसते हो तब आप बिना सोचे हंस देते हो। अब आप कहोगे इसमें क्या नई बात है? नई बात है ये, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि इस वीडियो को अभी लाइक करो, तब आप अपने दिमाग में सोचोगे और फिर इसके बाद डिसीजन लोगे और फिर लाइक करोगे। मतलब यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है। पर अब मान लो आपका कोई दोस्त है, उसके टकले पर ऊपर से कोई बर्ड आकर अचानक से टट्टी कर जाता है और ऐसे में आप ये सब देखकर तुरंत हंसने लग जाते हो, और आपने देखा होगा कि उस वक्त आप ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे तुरंत हंसने लग जाते हो। मतलब आपको तब उस कंडीशन में सोचना नहीं पड़ता कि अभी आपको हंसना है। हंसना एक अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ता और आप बिना सोचे हंस देते हो। नंबर 1, टीचर, लॉयर, ड्राइवर, इंजीनियर और यूट्यूबर और गेमर, ये सारे किसी न किसी प्रोफेशन के ऑफिशियल नाम है। पर क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि इन सभी वर्ड्स के आखिर में ER क्यों साउंड करता है? सिर्फ एक या दो में ER वर्ड होता
तब कुछ समझ में आता, पर सारे के सारे प्रोफेशन के नाम के आखिर में ईआरई वर्ड क्यों लगा हुआ होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? वेल, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। टीचर का जो टीच वर्ड है उसका मतलब होता है पढ़ाना, और ड्राइवर का जो ड्राइव वर्ड है उसका मतलब होता है ड्राइव करना। टीच और ड्राइव, ये जो शब्द है ये किसी तरह के काम को दर्शा रहे, और जो इंसान उस चीज को कर रहा है तो उस चीज को करने वाले को दर्शाने के लिए इन सभी वर्ड्स के आखिर में ER वर्ड यूज किया जाता है। यही थी इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो आज आपने जान ली। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।